दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल रेंजर्स बैंगलोर के बीच में खेले गए इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा और वहीं शर्मनाक हार के बाद कप्तान ऋषभ पंत का गुस्सा श्रेयस अय्यर और शिखर धवन पर जमकर फूटा। ऋषभ पंत ने टीम की हार का जिम्मेदार श्रेयस अय्यर और शिखर धवन को ठहरा दिया। चलिए बताते हैं आपको पूरे बयान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मुकाबले में किसकी वजह से हारी है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2021 के लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ हुआ। इस मैच में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। शिखर धवन ने पहले पारी में 43 रन बनाए और हर्षल पटेल की गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने पृथ्वी के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की। पृथ्वी शॉ ने भी अच्छी पारी खेली और 31 गेंदों में 48 रन बनाए और आउट हो गए। चहल ने उन्हें अपना शिकार बनाया। कप्तान ऋषभ पंत 10 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर ने 18 गेंदों पर 18 रन बनाए और मोहम्मद सिराज की गेंद पर कैच आउट हो गए। हेटमायर ने 29 रनों की पारी खेली और सिराज की गेंद पर कप्तान विराट कोहली के हाथों लपके गए। वहीं रिपल पटेल 7 रन बनाकर नाबाद रहे और दिल्ली कैपिटल्स की टीम 164 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी को पहला झटका देवदूत पड़िक्कल के तौर पर लगा, जो कि नौजे की गेंद पर गोल्डन डक का शिकार हुए। वहीं कप्तान विराट कोहली को भी उन्होंने 4 रन पर रबाडा के हाथों कैच आउट करा दिया। एबी डिविलियर्स ने 26 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हो गए। भरत ने 52 गेंदों में 4 छक्के व 3 चौकों की मदद से 78 रन बनाए, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने 33 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से नाबाद 51 रनों की पारी खेली। आपको बता दें कि अंतिम ओवर में जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी और दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और अंतिम गेंद पर आकर भरत ने छक्का लगाते हुए अपनी टीम को रोमांचक मुकाबले में जीत दिलाई। वहीं दोस्तों, शर्मनाक हार के बाद टीम के कप्तान ऋषभ पंत का बड़ा बयान सामने आया। ऋषभ पंत ने अपनी टीम का हार का कारण बताते हुए सारा ठीकरा शिखर धवन और श्रेयस अय्यर के सर पर फोड़ दिया। ऋषभ पंत ने अपने बयान में कहा कि शिखर धवन बतौर सलामी बल्लेबाज, इनके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपको अपने रन के अलावा टीम की रन गति पर भी ध्यान देना चाहिए। शिखर धवन ने 43 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन वो काफी धीमी खेली गई पारी थी। और इसके अलावा श्रेयस अय्यर का भी इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हराने में पूरी भूमिका रही। उन्होंने 18 गेंदों में सिर्फ 18 रन बनाए, जबकि मिडिल ऑर्डर में जरूरत थी 18 गेंदों में 30 से 35 रन जोड़े जाएं। अगर श्रेयस अय्यर इस तरह की बल्लेबाजी करते तो हमारी टीम 164 रन की बजाय 180 रन तक आसानी से पहुंच सकती थी और 180 रनों का लक्ष्य रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य बन सकता था। बता दें कि 10 से 15 रन इस मुकाबले में हमने कम बनाए, जिसकी वजह से गेंदबाज भी अंत में काफी ज्यादा होपलेस नजर आए और वहीं आवेश खान पूरी तरह से नर्वस दिखाई दे रहे थे। अगर हमारी टीम में थोड़ा रन और होता तो हमारी टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत जाती। तो दोस्तों, इस तरह से ऋषभ पंत ने अपनी टीम की हार का कारण बताते हुए अपना बयान दिया। वैसे आप सभी को क्या लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मुकाबले को किस खिलाड़ी की वजह से हारी है, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।